नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट रानी स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में श्री कृष्ण लीला की आगे की बात बताने जा रहे हैं। चलिए बताते हैं कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। बता दें कि फिर जरासंध शल्य से कहता है कि आपने काल यवन जैसे पराक्रमी योद्धा को मथुरा पर आक्रमण करने के लिए तैयार कर लिया, इसके लिए हम अति प्रसन्न हैं। वो काल यवन जिसके सामने कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी कुछ नहीं कर सकेगा। महाराज शल्य काल यवन से कहना कि जब वह कृष्ण और बलराम को परास्त कर ले तब उनका वध ना करें, उन्हें बांध कर हमारे सामने लाया जाए, हम अपने हाथों उन दोनों का सिर काटना चाहते हैं, तभी हमारी प्रतिशोध की ज्वाला शांत होगी। उधर मथुरा के बंद द्वार के ऊपर अक्रूर जी को कुछ सैनिकों के साथ दिखाया जाता है। वे दूर तक देखते हैं, कहीं भी कोई सेना नजर नहीं आती है। फिर उन्हें एक घुड़सवार आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर अक्रूर जी कहते हैं, प्रहरी नगरकोट के द्वार खोल दो, हमारा अपना दूत आया है। फिर अक्रूर जी नीचे उतरकर उस दूत से मिलते हैं तो वह कहता है कि काल यवन की सेना बहुत निकट आ चुकी है, मेरा अनुमान है कि कल सूर्योदय से पहले ही वह मथुरा को घेर लेंगे। यह सूचना लेकर अक्रूर जी श्री कृष्ण के पास जाकर उन्हें बताते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी बात है, आने दो। फिर अक्रूर जी कहते हैं, हे भगवान, आपने सेना के लिए कोई आज्ञा नहीं दी, सारे सैनिक शस्त्रबद्ध होकर तैयार हैं, केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है कि उन्हें क्या करना होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, देखिए अक्रूर जी, इस बात का निर्णय पहले ही हो चुका है कि काल यवन से युद्ध करने हम अकेले जाएंगे, इसलिए सेना को युद्ध की आज्ञा नहीं दी जाएगी। हाँ, उन्हें नगर की सुरक्षा का कार्य सौंपे, नगर में स्थान स्थान पर सैनिक टुकड़ियां खड़ी रहे जिससे शत्रु की सेना को देखकर नगरवासी चिंतित न हो, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए सेना मौजूद है। बस आप रात में इतना ही कीजिए और प्रातः सूर्योदय की प्रतीक्षा कीजिए, तब जो होगा देखा जाएगा। प्रातः काल में काल यवन और उसकी सेना मथुरा के नगर द्वार पर पहुंच जाती है। काल यवन मथुरा के द्वार और नगर कोट को देखकर प्रसन्न हो जाता है। फिर वह अपनी सेनापति से कहता है, सेनापति, मथुरा नरेश के नाम संदेशा भेजो कि मलेच्छ नरेश काल यवन आपसे युद्ध की इच्छा से मथुरा के द्वार पर खड़ा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमारे साथ युद्ध करके हमें आनंद प्रदान करेंगे। इसकी तैयारी के लिए हम आपको एक दिन की मोहलत देते हैं। कल सुबह तक आपने बाहर आकर हमसे युद्ध नहीं किया तो हम मान लेंगे कि आपने कायरों की भांति लड़े बगैर ही हार मान ली है। तब हमारी सेना नगर द्वार को तोड़कर नगर द्वार में प्रवेश करेगी ताकि आपको बंदी बनाकर हमारे सामने पेश किया जाए। यह संदेश सुनकर बलराम क्रोधित होकर कहते हैं, उसकी ये धृष्टता। लेकिन श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, आगे क्या लिखा है। तब अक्रूर जी पढ़कर सुनाते हैं कि यदि उस समय हमारे सैनिकों को किसी ने भी रोकने की कोशिश की तो हमारे सैनिक सारे नगर को उजाड़ देंगे, चारों तरफ खून की नदियां बहने लगेगी जिसमें समस्त नगरवासियों की लाशें तैर रही होंगी। इस प्रकार मथुरा के बेगुनाह शहरियों को मरवाने से कोई लाभ नहीं होगा और ना हमें ये अच्छा लगेगा। इसलिए आपको हमारा यही मशवरा है कि या तो वीरों की भांति नगर के बाहर आकर हमारे साथ युद्ध करिए या स्वयं नगर के बाहर आकर अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए, हम बाकी लोगों को माफ कर देंगे, अब फैसला आपके हाथ है। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप भी इसका उत्तर भेजिए। तब अक्रूर जी कहते हैं, क्या लिखूं प्रभु। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हम आपकी वीरतापूर्ण बातों से अति प्रभावित हुए, आपने युद्ध के लिए जो सुझाव दिए हैं ऐसी बात आप जैसे वीर पुरुष ही सोच सकता है, इसलिए हम आपके इस वीर स्वभाव की प्रशंसा करते हैं। हमें आपकी युद्ध की चुनौती स्वीकार है, परंतु उसमें हमारा भी एक सुझाव है कि जब मुकाबला काल यवन और कृष्ण के बीच है तो इसमें हमारी और आपकी सेनाओं का क्या कार्य है। दोनों ओर की सेनाएं तो निर्दोष हैं, टक्कर तो आपकी और मेरी है, फिर उन बेगुनाह सैनिकों को क्यों लड़ाया जाए, लाखों बेगुनाह सैनिक व्यर्थ ही मारे जाए जबकि उनका कोई दोष नहीं है। सो बेहतर तो यही है कि केवल आप और मैं आपस में लड़कर ही फैसला कर लें। काल यवन और कृष्ण केवल दो प्रतिद्वंदी अकेले ही युद्ध करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप मेरे साथ युद्ध में हार गए अथवा मारे गए तो भी हम आपकी सेना को कुछ नहीं कहेंगे, हम आपके सैनिकों को क्षमा करके उन्हें वापस अपने देश लौट जाने की अनुमति प्रदान करेंगे। यह पत्र पढ़कर काल यवन कहता है, वाह, इसको कहते हैं वीर पुरुष, ये कृष्ण तो सचमुच परम वीर है। नारद ने ठीक ही कहा था कि इस धरती पर मेरे साथ युद्ध करने की क्षमता केवल एक ही पुरुष में होगी जिसका नाम
कृष्ण होगा। अवश्य यह वही कृष्ण है। उस वीर पुरुष को उत्तर लिखो कि हमें उसका प्रस्ताव पूर्णतः स्वीकार है। काली यवन और कृष्ण के आपसी युद्ध से ही केवल दो देशों की हार और जीत का फैसला हो जाएगा। कल प्रातः मथुरा के नगर द्वार के बाहर हम अकेले कृष्ण की प्रतीक्षा करेंगे और ये भी वचन देते हैं कि वो जो भी अस्त्र साथ लाएगा हम भी केवल उसी अस्त्र के साथ उससे युद्ध करेंगे। जाओ। प्रातः युद्ध का बिगुल बज जाता है। काल यवन अपनी सेना के साथ मथुरा के द्वार पर खड़ा रहता है। मथुरा के द्वार खोलकर श्री कृष्ण अकेले बाहर निकल जाते हैं और द्वार पुनः बंद कर दिए जाते हैं। द्वार के बाहर श्री कृष्ण अकेले और निहत्थे खड़े होकर देखते हैं कि जरासंध अपनी सेना के साथ रथ पर सवार है। फिर वह पैदल चलकर काल यवन के पास कुछ दूर पर पहुंचते हैं। काल यवन रथ पर बैठा रहता है तो खड़ा हो जाता है। काल यवन और उसका सेनापति श्री कृष्ण को देखकर हंसते हैं। तब काल यवन कहता है, ये देखकर अच्छा लगा कि तुम अपनी बात के धनी हो, वादे के पक्के हो, ये वीरता की निशानी है। ये जानते हुए भी जो काल यवन से युद्ध करेगा वह अवश्य मारा जाएगा, क्योंकि काल यवन को तो कोई मार ही नहीं सकता। यह सब कुछ जानते हुए भी तुम अपना वचन निभाने यदि तुम युद्ध करने अकेले आ गए हो तो इसके लिए तुम्हें युद्ध में मारने से पहले मैं तुम्हारी इस वीरता के लिए तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हम तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार करते हैं, तुम्हारे वीरोचित भावों की प्रशंसा भी करते हैं और तुम्हारे अज्ञान पर हमें हंसी भी आती है। यह सुनकर काल यवन क्रोधित हो कहता है, तुम मुझे अज्ञानी समझते हो? अज्ञानी तो तुम हो। यह सुनकर काल यवन कहता है, नादान युवक, मैंने माना कि तुम बड़े वीर हो, परंतु उससे भी बड़े मूर्ख हो। मूर्ख, तुम्हें राजाओं से बात करने की तमीज नहीं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, काल यवन, सत्य और मूर्खता ये दो अलग अलग बातें हैं। हमने तो सत्य कहा और यदि आपने उसे मूर्खता समझ लिया तो इसमें हमारा क्या दोष है? हमारा तो कहने का केवल ये अर्थ है कि आपको केवल ये वरदान मिला हुआ है, किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, परंतु आपने तो उस वरदान का ये अर्थ समझ लिया कि आप कभी मरोगे ही नहीं। ऐसा वरदान तो कोई देवता भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो पैदा होगा वह मरेगा अवश्य, यही प्रकृति का नियम है। यह अलग बात है कि वह मरेगा कैसे, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक आदमी को युद्ध में किसी शस्त्र से ही मारा जाए। अरे अज्ञानी राजा, मृत्यु के आने के तो कई और भी तरीके हैं। इस वक्त तुम हमें मारने की बात सोच रहे हो, परंतु ये भी तो हो सकता है कि इस समय तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पास ही खड़ी हो। तब यह सुनकर हंसते हुए काल यवन कहता है, देखो कृष्ण, तुम युद्ध करने आए हो या शास्त्रार्थ, और यदि तुम ये समझते हो कि ऐसी उल्टी सीधी बातें बनाकर तुम अपनी मृत्यु के आने को थोड़ी देर टाल रहे हो तो ये तुम्हारी भूल है। इसलिए ये बताओ कि तुम लड़ने के लिए कौन सा हथियार साथ लाए हो, हम भी केवल उसी अस्त्र के साथ युद्ध करेंगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने कहा था कि युद्ध केवल काल यवन और कृष्ण के बीच होगा, तो फिर उसमें हथियारों की क्या आवश्यकता है? यह सुनकर काल यवन कहता है, हाँ, ये हुई ना बात, तुम्हारे पास ना रथ है और ना कोई सवारी, इसलिए हम भी रथ छोड़कर पैदल ही तुम्हारे साथ धरती पर लड़ेंगे। ये लो, सब हथियार भी यही रख दिए। ऐसा कहकर काल यवन रथ से नीचे उतर जाता है। कृष्ण के पास पहुंचकर कहता है, अब तो बराबर की बाजी है ना? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, नहीं महाराज काल यवन, ये बाजी अभी बराबर की नहीं। काल यवन पूछता है, क्या मतलब? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, देखिए, हम इस मैदान में अकेले खड़े हैं, हमारे पीछे सहायता के लिए कोई सेना नहीं है। उधर आप अपने हथियार छोड़कर रथ से उतर तो आए हैं, परंतु आपकी सेना ने दूर से हमें घेर रखा है जो कभी भी आक्रमण कर सकती है। इसलिए आपको यदि अपने ऊपर कोई विश्वास है तो जिस प्रकार हम अपनी सेना को छोड़कर अकेले आए हैं उसी प्रकार आप भी अपनी सेना को छोड़कर बहुत दूर हमारे साथ अकेले किसी ऐसे स्थान पर चलिए जहां पर कोई दूसरा ना तो आपकी सहायता के लिए आ सके और ना हमारी सहायता के लिए आ सके। यह सुनकर काल यवन कहता है, मंजूर, हमें ये बात भी मंजूर है। यह कहकर वह पीछे पलटता है और सेनानायक को कहता है, सेनानायक, हमारी आज्ञा है कि हम दोनों जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोई हमारे पीछे ना आए, तुम अपनी सेना के साथ यही खड़े हमारा इंतजार। सेनानायक कहता है, जी, और नगर को अपने घेरे में रखो ताकि नगर से भी कोई बाहर ना निकल सके, हमारी ये आज्ञा जाकर सारी सेना को सुना दो। तो यह सुनकर सेनानायक कहता है, जो हुकुम। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें नेक्स्ट ट्रेंड स्पिरिचुअल। राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।